साइबर सिटी गुरुग्राम में एक सोते हुए प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने सेक्टर 22 के निर्माणाधीन मकान में सोया हुआ था। रात करीब 2 बजे के आसपास कुछ अज्ञात बंदूकधारी हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस समेत शहर की जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। वहीं इस दौरान ग्रामीणों का वारदात को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस हमलावर को पकड़ नहीं लेती, तब तक वो मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। मेरा भतीजा जो है धर्मेश का यहाँ प्लॉट है, ये वो धर्मेश ओनर है इस प्लॉट का, और उसका जो है आज रात में मर्डर हो गया। कैसे वो मर्डर, कौन है, आप क्या कुछ उसके बारे में मुझे इतना नहीं नॉलेज कुछ भी, क्योंकि मैं तो घर से 21 सेक्टर से आया हूँ और तब मुझे पता चला है कि भाई गया था जो धर्मेश का पिताजी मेरे पास, भाई ऐसे ऐसे लेबर मिस्त्री का फ़ोन आया है जल्दी प्लॉट में पहुँचना। यहाँ आए फिर थाने में गए, थाने ना पुलिस ने फ़ोन उठाया, ना सीपी साहब फ़ोन उठा रही है, ना कोई और अफसर ने उठाया। और थाने में गए तो 2 एम्प्लॉयज मिले, बोला भाई कोई PCR होगी तो बुला ले जाना, इतना मेजर क्राइम हुआ है और ये कह रहे हैं कि भाई कोई हो तो देख लेना। किसी पे शक है आप लोगों? नहीं, शक किसी पे नहीं है, ना ही हम बहुत रेपुटेटेड आदमी, ना ही हमारी किसी पे कोई दुश्मनी है। और उसके बाद में फिर एक PCR में एक इंस्पेक्टर साहब आए, वो बोला भाई मैं गाड़ी ना आई थी तो मैं कैसे आता। इस बारे में जब पुलिस से बात की गई तो उनका कहना था कि मृतक परिवार की तरफ से शिकायत मिलते ही पुलिस कार्रवाई करेगी। ये रात्रि के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जो मौके पर पहुंचकर पता किया गया तो धर्मेश नाम के व्यक्ति थे जिनकी गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है, जिस बारे में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। CCTV कैमरा लगवाए जा रहे हैं, इसके अंदर GMDA के तथा अन्य आसपास के CCTV कैमरा खंगाले जा रहे हैं, तथा साथ ही हम अपनी अन्य क्राइम टीमों को लगाकर जो मुजरिम है उनका पता लगा रहे हैं। बता दें कि साइबर सिटी का थाना पालम विहार काफी समय से विवादों में रहा है और MCG का वार्ड 3 काफी समय से अति संवेदनशील बनता जा रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों ने आशंका जताई है कि थाना पालम विहार क्षेत्र में कभी भी भयानक हादसे हो सकते हैं। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।